टेक्नो पोवा 5 प्रो, इसका 10 डेज चलने के बाद की कैसा परफॉर्मेंस रहता है उसके बाद हम अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारा फ़ोन है ना जो कि 10 दिन चलने के बाद प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए हम पहले 10 दिन चलाते हैं उसके बाद हम अनबॉक्सिंग का वीडियो लाते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इसको हम फटाफट आपके लिए और एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और फ़ोन का जो पैकेजिंग है वो नॉर्मल पैकेजिंग है, और जो फ़ोन के अंदर फ़ोन का प्राइस जो है आपको लगभग 14 ये 8 और 256 GB है, तो इसके लिए आपको प्राइस रेट कंपनी की ओर से 16,000 रखा है, लेकिन आपके पास अगर कार्ड वार्ड होगा तो 15 के आसपास आ जाएगा, और ऑफ़र आएगा तो 14 के आसपास भी आपको मिल जाता है शायद। तो इसका जो फिनिशिंग, बैक का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही डिफरेंट किया है, क्योंकि इसका बैक में LED लगा है, और इसका जो बैक का जो डिज़ाइन है वो भी डिफरेंट किया है टेक्नो का, ये पहली बार। और साइड का जो फिनिशिंग है ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है। और फटाफट फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर। एक आपको USB केबल मिल जाता है USB 2 Type-C, और दूसरी तरफ सिम इजेक्टर टूल्स, और ये 68 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो 15,000 के फ़ोन में ये बहुत ही अच्छा किया है, और एक केस मिल जाता है। तो हम पहले फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं और आपको एक बार बैक का लुक जो है दिखा देते हैं, कि ये दूसरे फ़ोन के मुकाबले बहुत ही अलग किया है। लेकिन इसका जो कैमरा है वो उसको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग कैमरा को देख के ही फ़ोन ख़रीदते हैं कैमरा कैसा है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, इसका जो कैमरा है थोड़ा सा वो कार्टून टाइप का आ जाता है, फ़ोटो खींचने के बाद ना थोड़ा सा कार्टून टाइप का लगता है। अगर आप ख़रीदते हो और आप फ़ोटो खींच के देखते हो तो थोड़ा सा कार्टून टाइप का लगेगा, कि ये इसका जो अपडेट आएगा, अपडेट आने के बाद शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन कैमरा क्वालिटी, कैमरा का क्लियरिटी और कैमरा का जो शार्पनेस है और डिटेलिंग है बहुत बढ़िया है। इस प्राइस पॉइंट में इसका जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही तगड़ा है। इसके साथ अगर आप 20,000 की फ़ोन के साथ कंपेयर करोगे तो कैमरा क्वालिटी एकदम सेम टू सेम है, और जो प्राइस पॉइंट में आपको 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी मिलता है, और इसका जो 128 GB मेमोरी आपको 13-14 हज़ार में मिल जाता है। और इसका जो कैमरा में बहुत सारा मोड दिया है कंपनी ने, और ये मोड बहुत ही अच्छे से काम भी करता है, ऐसा नहीं कि मोड दे दिया और काम प्रॉपर से नहीं करेगा, जैसे कि माइक्रो मोड बहुत सारा फ़ोन में है लेकिन वो प्रॉपर से काम नहीं करता है। और इसका जो एक मोड है सिनेमैटिक मोड, बहुत ही क्लियरिटी है इसमें, आप देख सकते हो जो सिनेमैटिक मोड है उसका जो डिटेलिंग है, उसका जो ब्लर है बहुत ही तगड़ा किया है कंपनी ने, और बहुत ही अच्छे से इसके काम किया है। अपडेट आने के बाद ये शायद और भी अच्छे से काम करेगा, लेकिन कैमरा क्वालिटी बहुत ही तगड़ा है। और उसका जो दूसरा चीज़ लोग देख के ख़रीदते हैं, उसका जो तो मेन बात ये है कि जो लोग ज़्यादातर जिसे देख के ख़रीदते हैं तो वो है इसका जो बैक का लाइट, LED लाइट। ये नथिंग फ़ोन की तरह है और ये म्यूज़िक बजाने पे चलता है, लेकिन ये कुछ दूसरा ऐप से आप अगर ट्राई करोगे तभी जलेगा शायद, लेकिन इस ऐप से तो ये फ़ोन में जो दिया है इसमें से तो नहीं जल रहा है। ठीक है, तो दूसरा हम तरीका अपनाते हैं उसको चेक करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि सिंपल मोड में जाके हम इसे चेक कर सकते हैं, ये हमारा जो कॉलिंग का जलता है, कॉलिंग में अगर ऐसा फ़ोन आता है तो ऐसा 8 GB लाइट जलता है। और इसको हम अगर लाइट में चेक करेंगे तो लाइट में बहुत ही ज़्यादा मेरे को कम लगा इसका जो लाइट का ब्राइटनेस है, LED का ब्राइटनेस है, इसमें तो सिग्नल प्रॉपर दे रहा है, लेकिन बैक में लाइट में बहुत कम लगता है, बहुत पास से देखो तो लगता है। और रात के वक्त में ये अच्छे से ग्लो करेगा, लेकिन दिन के टाइम में ग्लो करेगा तो दूर से कोई उसको नहीं पहचान सकेगा। ऑरेंज कलर थोड़ा बहुत वो लाइट में दिख रहा है, लेकिन दूसरा वो कलर जो है वो देख बहुत मुश्किल से आपको दिखाई देगा। इसका जो ग्लोइंग लेवल है बहुत कम है, और थोड़ा ग्लोइंग होता तो अच्छा होता, लेकिन ये हमारा जो सेटिंग से चेक कर रहे हैं तो थोड़ा लाइट कम हो सकता है, लेकिन आप अगर आप कॉल में चेक करोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा,
कॉल में या फिर नोटिफिकेशन लाइट में, इसका जो म्यूजिक चलने का टाइम में इसका लाइट का ग्लो है वो कम रहेगा, लेकिन नोटिफिकेशन लाइट आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं जो चेक किया फ़ोन 10 दिनों से, तो नोटिफिकेशन आने का टाइम में इसका ग्लो है वो ज़्यादा होता है, और जो कॉलिंग आने के टाइम में ज़्यादा होता है। आप अगर आप सेटिंग से चेक करोगे तो इसका ग्लो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो चार्जिंग स्पीड है, कंपनी का दावा है कि 30 मिनट में आपका 50% चार्ज हो जाएगा। आई थिंक ये हमने चार्ज करके देखा, 1 मिनट में 1% से ऊपर आता है, ठीक है। तो 60 मिनट में मतलब आपका 1 घंटे में फुल तो नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, कंपनी का जो दावा है 30 मिनट में 50% चार्ज, ये होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो चार्जिंग का स्पीड है और भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये 53 मिनट में, हमने 6:53 में लगाया, 54 होने के बाद आपका जो है उसका थोड़ा टाइम बाद 1% बढ़ा, मतलब 1 मिनट में अगर 1% होता है तो आपका 1 घंटे में 60% होता है, उससे मुकाबला थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है चार्ज, मतलब आपका 1 घंटे के ऊपर जाने के बाद चार्ज आपका फुल होगा आपके।